डीएवी स्कूल केसरगंज के 25 छात्रों के द्वारा ट्रैफिक रूल्स और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए ये जन जागरण अभियान चलाया गया है। इसमें मायरा फैशंस, एन एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ डिजाइनर कलेक्शन, स्वामी कॉम्प्लेक्स एंड वेगा मॉल, अजमेर। स्लोगन के माध्यम से जनता को ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ट्रैफिक लाइट पे अनावश्यक रुकने के बाद हॉर्न ना बजाएं, जहां जरूरत हो वहीं हॉर्न बजाएं, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। और जब आप लाल बत्ती पे खड़े तो अपने इंजन का इग्निशन बंद कर दे ताकि पोल्यूशन भी नहीं होगा। इसे जन जागरूकता फैलाने के लिए हमारे छात्रों के द्वारा बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई। इसे हमारे केंद्रीय जो ऑफिस है दिल्ली CMC के द्वारा ये अभियान हमें हमारे हाथ में दिया गया, जिसके माध्यम से हम जनता को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि अनावश्यक प्रदूषण से बचने के लिए हमें ये कार्रवाई करनी है। आज कहाँ से शुरुआत की है इस अभियान की? हमने आज गांधी भवन जो आपके लाल बत्ती है यहाँ से शुरुआत की है। आगे हमारा अभी इसके बाद हमारा गवर्नमेंट कॉलेज चौराहा जो शहर के मुख्य चौराहे हैं जहाँ ट्रैफिक रुकता है, उन सभी चौराहों पे इन छात्रों के द्वारा ये सब प्रदर्शन किया जाएगा। चलेगा ये अभियान? ये सर हमारा जो है मंगलवार तक ये अभियान चलने का है। इसमें सभी छात्र अलग अलग चौराहों पर जाकर के संदेश देने का प्रयास करेंगे। स्टाफ से भी समझाएं? हाँ, इसमें हमारे जो यातायात के जो कांस्टेबल हैं श्री हरिनारायण जी, इनके द्वारा भी हमें छात्रों को सहयोग किया गया और अधिक जानकारी दी गई है ताकि हम कैसे पब्लिक को ये संदेश दे सकते हैं, क्योंकि छात्रों को ज़्यादा जानकारी नहीं है ट्रैफिक नियमों की। तो हरिनारायण जी के द्वारा संदेश दिया गया, उस संदेशों को भी हम जनता के तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका परिचय? सुरेश उपाध्याय, सीनियर टीचर DAV स्कूल केसरगंज। पोस्टरों पर स्लोगन लिखे जा करके पब्लिक को ट्रैफिक अवेयरनेस का कार्यक्रम किया गया है। इसमें यातायात नियम लिखे हुए हैं कि हमें हॉर्न अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना है, जहाँ आवश्यक हो वहीं हॉर्न बजाएँ, हेलमेट का प्रयोग करें, साइकिल चलाते वक्त भी हमें यातायात नियमों की पालना करनी है। इस प्रकार से जो ट्रैफिक के महत्वपूर्ण नियम हैं उनकी बच्चों ने अपने स्वयं के हाथों से ये पोस्टर बनाए हैं और इनके माध्यम से जनता को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम रखा गया है। साथ ही साथ इन बच्चों को मेरे द्वारा भी ट्रैफिक लाइट्स के बारे में जानकारी दी गई है, जेब्रा लाइन, और हेलमेट का प्रयोग करके वाहन चलाएँ, सीट बेल्ट का प्रयोग करें चार पहिया वाहन चलाते हैं तो, एवं वाहन चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का प्रयोग कभी नहीं करें, इससे दुर्घटनाएं सबसे ज़्यादा होती है। इस प्रकार की यातायात नियमों की संपूर्ण जानकारी इन बच्चों को भी दी गई। हरिनारायण, हेड कांस्टेबल, ट्रैफिक पुलिस, अजमेर।